ये कहानी एक ऐसी गरीब महिला की है जो गरीब पिछड़े आदिवासी समाज से आती है। पिछड़े पृष्ठभूमि को पीछे छोड़ सुनहरे भविष्य का सपना लिए बड़ी हुई। राह आसान न था, चुनौतियां बहुत थी, फिर भी ग्रेजुएशन किया और उसके बाद नौकरी की तलाश शुरू की, लेकिन वो भी नहीं मिली। तब सोचा कि खुद का बिजनेस करूंगी और दूसरे को भी काम दूंगी। चुनौतियां तो इस बार भी कम न थी, परंतु साथ में भविष्य का सपना था और उसे साकार करने का जज्बा भी। इसका नतीजा भी निकला और सामने आया शिक्षित बेरोजगार लाइन होटल, जो इन दिनों लोगों में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा स्थित शिक्षित बेरोजगार लाइन होटल कई लोगों को रोजगार दे रहा है। यात्रियों को यहाँ स्वादिष्ट भोजन मिलता है और इसकी कमाई से कई लोगों का घर चलता है। सामने से गुजरते हुए होटल का नाम बरबसी ध्यान अपनी ओर खींच लेता है और जब आप यहाँ रुकते हैं तो एक साथ कई बातें आपको रोमांचित करती है। होटल का नाम और इसके पीछे की कहानी को लेकर ज्यादातर लोगों को जिज्ञासा होती है। हम शिक्षित से ग्रेजुएशन किए हुए हैं और मेरे पास रोजगार नहीं है, तो ये मन में हम सोचे कि एक तो बिजनेस करेंगे तो बाकी को भी रोजगार भी दे सकते हैं। और हम लोग देख रहे हैं आदिवासी बिजनेस के मामले में बहुत पीछे, और दिखाना भी चाहते हैं, प्रेरित भी करना चाहते हैं कि हम लोग के माध्यम से भी बिजनेस हो सकता है। होटल का इंटीरियर भी लोगों को काफी प्रभावित करता है। खंभे से लेकर दीवार और छत तक बांस से बने हुए हैं। इसकी कलाकारी भी देखते बनती है और यही वजह है कि होटल इन दिनों सेल्फी पॉइंट भी बन चुका है। कई यात्री यहाँ रुकते हैं और जाने से पहले फटाफट सेल्फी क्लिक करना नहीं भूलते। बांस का होटल बनाने का आइडिया कहाँ से आया और कैसे साकार हुआ, इसकी भी एक कहानी है। टूर में गए थे चंडीगढ़ दिल्ली, टूर के अभियान में ही, और हम पहले से सोच रहे थे कि कोई हम बिजनेस करेंगे जो कि डायरेक्ट पैसा हो। तो देखे वहाँ का लुक, वहाँ का होटल बहुत अच्छा लगा, बांस का बनाया हुआ था, तो वही हम दोनों शिल्पी लेके आए और हम कलाकार को खोजने लगे कि कैसे इसका बनेगा। और उस सबको बताते बताते ये सब नमूना दिखा दिए, ताकि हम लोग आदिवासी का जो संस्कृति है, और झारखंड में इस तरह का होटल हमको नहीं लग रहा है कि है, वही दिखाना चाहते हैं। और आदिवासी को भी ये मैंने देख के अच्छा लग रहा है कि हम लोग का एक आदिवासी महिला का होटल है। अनीता आज सफलतापूर्वक अपना होटल व्यवसाय चला रही हैं और वो चाहती हैं कि आदिवासी समाज की दूसरी लड़कियां और महिलाएं भी इसी तरह से आत्मनिर्भर बने। देखिए, हम तो हमेशा महिला का सपोर्ट है और महिला को दिखाने के लिए ये उत्साह के साथ हम सबको बता रहे हैं कि हम लोग कभी कम नहीं है, परिवार हम ही लोग चलाते हैं, कोई भी काम में पीछे नहीं रहना है, संघर्ष करते रहना है। अनीता मुर्मू लाइन होटल खोलकर न सिर्फ अपनी जिंदगी बदल रही है बल्कि दूसरों को भी काम दे रही है। वो चाहती है कि उनके काम से दूसरी आदिवासी लड़कियां और महिलाएं भी प्रेरणा लें। पाकुड़ से न्यूज बायोस्कोप के लिए संजय की रिपोर्ट।